जय हिंद दोस्तों। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस ज्ञान की दुनिया में। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हव्यक ब्राह्मणों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों हव्यक ब्राह्मण हिंदू इंडो आर्यन ब्राह्मणों में एक हैं। इन्हें हविका, हैगा तथा हविगा नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में अधिकांश हव्यक भारत के कर्नाटक राज्य के निवासी हैं। हव्यक आदि शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित अद्वैत दर्शन को मानते हैं। दोस्तों हव्यक शब्द हविगा या हविका शब्द से व्युत्पन्न हुआ है। हव्यक शब्द का अर्थ है वे जो हवन कर सकते हैं। हवन तथा होम हव्यक ब्राह्मणों की पारंपरिक धार्मिक क्रिया है। इस शब्द के स्रोत पर कई और सिद्धांत मौजूद हैं। माना जाता है कि प्राचीन दक्षिण भारत में उत्तरी कन्नड़ जिला के कोंकण तथा तुलवा के बीच का स्थान हैवा के नाम से जाना जाता था। यह स्थान हव्यकों का निवास भी है, इसलिए यह माना जाता है कि यह हव्यक जो शब्द है इसी स्थान के स्रोत से उत्पन्न हुआ है। हव्यक ब्राह्मण उत्तराखंड के नैनीताल जिला में मौजूद अहिछत्र नामक स्थान के निवासी थे। 9वीं शताब्दी के अंत में और 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में दक्षिण भारत के कदंब राजवंश की स्थापना करने वाले राजा मयूर शर्मा ने हव्यक ब्राह्मणों को वर्तमान के कर्नाटक राज्य में आकर निवास करने का निमंत्रण दिया था। तालागुंडा और वर्धहल्ली शिलालेख से यह मालूम होता है कि कदंब राजवंश ने हव्यक ब्राह्मणों को अहिछत्र से शाही अनुष्ठान करने के लिए बुलाया था। पहले के कई हव्यक परिवार हैगुंडा जो कि उत्तर कन्नड़ जिला के होन्नावार तालुक में शरावती नदी के पास स्थापित है, एक छोटा सा गांव है, तथा वनवासी आदि कवि पंप का यह प्रिय स्थल कदंब राजवंश की राजधानी थी में बसे थे। मयूर शर्मा या मयूर वर्मा द्वारा हव्यक परिवारों को कर्नाटक में बुलाए जाने की क्रिया को एक शिलालेख में दर्ज किया गया है जो अब वर्धहल्ली जो कि कर्नाटक के शिमोगा जिला के सागरा तालुक में स्थित एक पूजनीय स्थल में स्थापित है। अधिकांश हव्यक ब्राह्मण आज रामचंद्रापुर मठ तथा स्वर्णवल्ली मठ के विचारों तथा रिवाजों का पालन करते हैं। यह सारे मठ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित तथा प्रतिपादित किए गए अद्वैत वेदांत का पालन करते हैं। जहां अधिकतम हव्यक सुपारी, धान, कलश तथा नारियल के व्यापार में दाखिल दिखाई पड़ते हैं, तो कुछ हव्यक ब्राह्मण वेद शास्त्र की पढ़ाई कर पंडित का स्थान प्राप्त कर चुके हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी हव्यकों ने एक महत्वपूर्ण पात्र निभाया था। तो वहीं काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में सेवा करने वाले भट्ट पंडित भी हव्यक ब्राह्मण हैं। दोस्तों हव्यक ब्राह्मण अपनी असामान्य भाषा के लिए जाने जाते हैं। वे हवी कन्नड़ या हव्यक कन्नड़ नामक उपभाषा का उपयोग करते हैं जो कन्नड़ भाषा का ही रूपांतरण है। यह कई हद तक कन्नड़ भाषा के ही समान है, फिर भी कई कन्नड़वासी इस भाषा को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। हव्यक कन्नड़ के भी कई उपबोलियां मौजूद हैं जो इलाके के आधार पर विपरीत हैं। दोस्तों हव्यक भाषा में कई शब्द प्राचीन कन्नड़ या हले कन्नड़ से लिए गए हैं, जिसके कारण ही सामान्य कन्नड़वासी इस भाषा को ठीक रूप से समझ नहीं पाते हैं। हव्यक भाषा भी हले कन्नड़ की तरह काफ़ी पुरानी और प्राचीन मानी जाती है। माना जाता है कि इस भाषा का निर्माण भी हव्यक ब्राह्मणों ने ही किया था, किंतु इस विषय पर किसी भी तरह का सबूत न होने के कारण इस भाषा का स्रोत भी भारत के कई चीज़ों की तरह रहस्यमय है। विशेष रूप से दक्षिण कन्नड़ तथा उत्तर कन्नड़ के हव्यक भाषा में स्त्रीलिंग की जगह पर तटस्थ लिंग का उपयोग किया जाता है। इस तथ्य का ध्यान से अध्ययन करने से कुछ दिलचस्प बातें प्रत्यक्ष होती हैं। जहां एक और उत्तर भारत के भाषाओं में तटस्थ लिंग के उपयोग की कमी दिखाई पड़ती है, दूसरी ओर अधिकांश द्रविड़ भाषाओं में तटस्थ लिंग का भारी उपयोग के प्रमाण मिलते हैं।
इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हव्यक भाषा का उद्गम आदि द्रविड़ युग में हुआ था, जो इस भाषा को प्राचीन बनाता है। परंतु कर्नाटक में कुछ जगहों में हव्यक ब्राह्मण हवी कन्नड़ भाषा का उपयोग नहीं करते हैं। हव्यक ब्राह्मण हिंदू ब्राह्मण जाति के उप जाति में शामिल हैं, जो आदि शंकराचार्य की रचना अद्वैत वेदांत का अनुसरण करते हैं। ज़्यादातर हव्यक ब्राह्मण यजुर्वेदी ब्राह्मण होते हैं, जो बोधायन श्रोत सूत्र का पालन करते हैं, किंतु कुछ हव्यक ब्राह्मण सामवेदी तथा कुछ ऋग्वेदी भी होते हैं। हव्यक अधिकांश सभी हिंदू त्यौहारों को मनाते हैं। संगीत, नृत्य और लेखन हव्यकों के लिए बहुत आकर्षित बना रहता है। कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान विशेष रूप से हव्यकों द्वारा विकसित किया गया है। इसके प्रसिद्ध उदाहरण हैं चिट्टाणी रामचंद्र हेगड़े और किरेमणे शंभु हेगड़े। हाल ही में चिट्टाणी रामचंद्र हेगड़े को उनके यक्षगान के द्वारा रुचि और समर्पण की कदर करते हुए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हव्यकों द्वारा बनाई जाने वाली भोजन अत्यंत अलग तथा स्वादिष्ट होते हैं। इनमें विभिन्न तरह के खाद्य वस्तु यानी के अप्पेहुल्ली, तोड़ देवू, पनस और पापड़ इत्यादि शामिल हैं। हव्यक गोत्र पद्धति का पालन करते हैं, जिनमें निम्नलिखित गोत्र शामिल हैं: भरद्वाज, वशिष्ठ, अंगिरस, गौतम, जमदग्नि, कश्यप, विश्वामित्र। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया हव्यक ब्राह्मणों के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। जल्दी मिलेंगे आपको फिर से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।